नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनुराग। फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल त्रिभुवन कुमार भारती पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आज जो है 20 जून 2019 एनटीए नेट का पेपर संपन्न हुआ इतिहास विषय का, तो फ्रेंड जैसे कि जो जो लोग हमारे मॉक टेस्ट बैच ज्वाइन किए थे इस बार, उनको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भेजा जा गया था, वो लोग कुछ क्वेश्चन जो जिसको याद रहा कुछ क्वेश्चन जो हमारे तक पहुंच पाया, और जो पेपर का स्तर था वो लोग पेपर का स्तर बताए हैं। तो पेपर का स्तर ऐसा था कि इस बार का पेपर जो है बहुत थ्योरेटिकल टाइप का था, बहुत फैक्ट पे नहीं गया था। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जैसे बहुत डीप में पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से नॉलेज गेन करना होगा, और जो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़े थे या हमारे मॉक टेस्ट में एडमिशन लिए थे, वो जो क्वेश्चन बताए हैं थोड़ा बहुत, तो उसके आधार पे हम आपको कुछ बताते हैं। तो इसमें जैसे पूछा गया था पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल जो है कालीबंगा, उसके बारे में पूछा गया था वो कहाँ है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कालीबंगा जो है वहाँ पूर्व हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और हड़प्पा उत्तर के बाद भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो राजस्थान में स्थित है। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया था जैसे गुप्त साम्राज्य जो है क्लासिकल युग के नाम से जाना जा नाम से जाना गया, और कथन था, कारण था कि उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए गुप्त काल में, इसलिए उसको क्लासिकल युग कहा गया। तो हाँ फ्रेंड, बहुत सारे परिवर्तन हुए, इसका कथन और कारण दोनों सही है। ये सही ए आर की व्याख्या है, आर मतलब एक ही व्याख्या है, तो ए पहला सही होना चाहिए इसमें। और फ्रेंड, जैसा कि आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि राजशेखर जो है, राजशेखर के विषय में क्या सही है, तो उनके विषय में सही था कि मतलब राजशेखर जो है महेंद्रपाल और महिपाल दोनों के एक राजकवि के रूप में संरक्षण प्राप्त किए, तो ये विकल्प सही होना चाहिए, जैसे कि उसमें पूछा गया था और कुछ दिया था, तो अभी तक डिटेल्स नहीं है लेकिन ये सही होना चाहिए। और फिर पूछा गया था कि अंग्रेजों का जो है सुनहरा फरमान, गोल्डन ऑफर मतलब कब मिला सुनहरा फरमान, तो वो किसके माध्यम से मिला, तो वो गोलकुंडा के शासक के माध्यम से मिला। और फ्रेंड, जैसे कि और क्वेश्चन पूछा गया था कि शेखू बाबा किसके किसे कहा गया, तो जहांगीर को शेखू बाबा अकबर जो प्यार से बुलाते थे, ये शेख सलीम चिश्ती की जो वो थी उपाधि थी शेखू बाबा को उनको कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है जहांगीर पे पैराग्राफ भी आया था समथिंग, थोड़ा ऐसा लोग बता रहे हैं कि जो पैराग्राफ था और जो 5 क्वेश्चन उसके थे, वो क्वेश्चन जो है थोड़ा पैराग्राफ से आउट टाइप के थे, तो हो सकता है कि कुछ बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है वो है अभी, ऐसा जो है जो लोग कॉल करके हमको बताए, तो देखते हैं जैसे ही क्वेश्चन हमको प्राप्त होगा आपको हम बताएंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था मॉडर्न इंडिया में जैसे किस अधिनियम के तहत जैसे गवर्नर जनरल को जो है ब्रिटेन के अधीन कर दिया गया, मतलब सीधा ब्रिटिश ताज के अंदर आ गया भारत जो है, तो जैसे 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद जो अधिनियम बना था 1858 का अधिनियम, तो उसके तहत जो है ये सीधा वायसराय का पद हो जाता है और सीधा चला जाता है ब्रिटेन के हाथ भारत का कानून। और इसके आगे फ्रेंड, जैसे कि क्वेश्चन और पूछा गया था जैसे अभी कुछ लोगों को अभी एग्जाम दे के आ रहे हैं, उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा तो आपको हम क्वेश्चन बताते रहेंगे। एक और क्वेश्चन पूछा गया था जिसे मिलान करने के लिए आया था, ऐसा बता रहे हैं इनसे पाड़िन की मतलब अष्टाध्यायी पतंजलि महाभाष, इससे संदर्भित क्वेश्चन था। तो कुल मिला जुला के जैसे क्वेश्चन जो है काफ़ी डीप में पूछा गया था, और सारे क्वेश्चन थे वो मिलान वाले थे और कथन कारण वाले क्वेश्चन थे जो लोगों को अभी नहीं याद है, और जैसे भी जिसको याद हो हमारे जो जो फ्रेंड जो साथी हमसे पढ़े हैं वो जो है अगर उनको क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन बताएं और हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आपको उचित आंसर देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अपना बताइए जो है, आप क्वेश्चन दीजिए, तो जितना जल्दी हो सके आप हमको क्वेश्चन उपलब्ध करा दीजिए, आपको हम और आंसर बताने की कृपा करेंगे।
और फ्रेंड्स जैसे कि बोले फर्स्ट पेपर के भी कुछ स्टूडेंट बताए कि ऐसा मतलब एग्ज़ाम जो है बड़ा सरल था, फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था और कुल मिला जुला के जैसे क्वेश्चन तो यूनिट वाइज पट गया है, तो हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन था ऐसा तो। लेकिन जैसे जो रिसर्च एप्टीट्यूड या टीचिंग एप्टीट्यूड या ऐसे क्वेश्चन थे काफ़ी आसान थे जो है वो, मतलब जो मॉक टेस्ट कराया गया था जैसे हिस्ट्री हिंदी और पेपर फर्स्ट का, बहुत सारे क्वेश्चन मिले जो हैं मॉक टेस्ट से ही। और इस बार भी मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा प्लस हिस्ट्री की स्पेशल बैच भी चलेगी, तो आप ज़रूर जो है ज्वाइन करिएगा ग्यारह पाने के लिए, नेट में क्वालिफाई होने के लिए, स्टेट लेवल से पास होने के लिए और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी आपको जो है हाई फाई लेवल का पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से जो है, बहुत अच्छे मेहनत किया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। तो फ्रेंड्स आगे जो है हम लोग लगातार बताते रहेंगे और जैसे ही क्वेश्चन आप लोग उपलब्ध करवा दीजिए, हम आगे जो है आप लोगों को सीधा पार्ट वाइज करके हम आपको कराएंगे। और आप सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए, जैसे ही नए बैच चलेगी आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा, तो इसलिए आप ज़रूर जो है सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और जैसे ही क्वेश्चन मिलता है आपको आगे बताया जाएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।